हेलो गाइस, दिस इज़ अवनीत कौर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो और आज मैं वापस अपने कॉलेज जा रही हूँ जो कि जोधपुर में है। पता नहीं क्या बीमारी पड़ी है, कोरोना और खोलने की कॉलेज, पर चलो अब खुल गया है तो क्या कर सकते हैं, जाना तो है ही है। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा मेरा, वैसे क्या करें। अभी मेरी 10:25 की ट्रेन है तो मैं अपने मामू का वेट कर रही हूँ, वो आएंगे मुझे छोड़ने जाएंगे। की वजह से सब कुछ घर से ही लेकर जा रही हूँ मैं, क्योंकि क्या पता बाहर से कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं। अपनी सेफ्टी खुद ही हमें करनी है, मास्क लगा के सब कुछ प्रॉपर। गाइस, अभी 9:47 हो गए और मामू आ गए हैं, तो अभी हम सामान बाहर लेकर जा रहे हैं, तो बस जाने की तैयारी है पूरी। स्टेशन मेरे फ्रेंड्स वहाँ वेट कर रहे हैं। अभी हम स्टेशन पहुँच गए हैं, बस सामान उतारा है गाड़ी से, तो अभी जा रहे हैं हम अंदर। प्लेटफॉर्म 2 पे है हमारी ट्रेन, तो यहाँ चढ़नी पड़ेंगी सामान के साथ, बड़ा ही मुश्किल है ये। कि ऊपर तो चढ़ गए हैं पर नीचे उतारना मुश्किल हो गया। अब मामू को एक्चुअली उन्होंने आने नहीं दिया, गाड़ी लगाने की जगह नहीं थी यहाँ पे, तो पुलिस वालों ने बोला कि आप यहीं रुको, अब हमें खुद ही सामान उतारना पड़ रहा है। ये देखो मेरी मोटी दोस्त आ गई है यहाँ पे और अब मेरे बाकी दोस्त भी आएंगे। अभी हम जा रहे हैं अंदर ट्रेन के। हमारी मैस में भी अभी ब्लॉगिंग करेगी बैठ के। ये देखो मेरे दोस्त आए हैं अभिमा और दीक्षिमा, और अब ये जा रहे हैं और चले गए। अभी हम अपनी दोस्त के पास आ गए हैं खाना खाने के लिए। ये पता नहीं इसे अलग से टिकट क्यों करवाई है अपनी, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब हम इधर आ गए हैं तो अब हम खाना खाएंगे सारे बैठ के। घर से खाना आया हुआ है और अभी हम खाने को गर्म कर रहे हैं रिकवा के टिफिन में। कितना अच्छा टिफिन है इसका, चार्ज हो रहा है खाना, जैसे हम फोन चार्ज करते हैं वैसे हम खाना भी चार्ज कर रहे हैं। खाना खा लिया है अभी, बस अभी लोग पैक कर रहे हैं। वो अभी लगी हुई है अपना पनीर खाने। बंछा को कोई फ्रेंड मिलने आने वाला है उसका गुड़गांव में, तो अभी इसका भी ये वेट थक गई है उसका। अब इस ट्रेन थोड़ी लेट थी, इसको टेंशन पड़ गई कि यार कहाँ रह गया वो, कहाँ रह गया, कहीं गुम तो नहीं हो गया। और अब फाइनली इसको पता चला ट्रेन लेट है, तो अब वेट करिए कब पहुँचे, कब मैं उससे मिलूँ। फ्रेंड बंछा से नहीं मिल पाया, वो यहीं पर रह गई बेचारी, वो पीछे ही रह गया। आ रहा होगा, रुक जाओ दिखाती हूँ तुम्हें। पीछे चला गया वापस, बेचारी को दुख लग गया कि वो मिल नहीं पाई उससे। गाइस, ये मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइफ का ट्रेन में ट्रैवल करना। लोग यहाँ पे ड्रिंक करते हैं बैठ के, और इनको ये होश नहीं होती कि हम कितनी ड्रिंक करें कि हम लोग अपने आप को संभाल सकें। इतनी ज़्यादा पी लेते हैं कि बंदे को कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। हम लड़कियों के सामने कुछ भी कर रहा है, और बंदे को उतनी पीनी चाहिए ना जितने बंदा संभाल सके। अगर एक दिन नहीं पिएंगे तो मर तो जाएंगे नहीं। इंसान ट्रैवल कर रहा है, इतने सारे लोग हैं, मतलब कि सबके लिए सोच के चलना चाहिए। मत पियो, क्या हो जाएगा। तो अपनी सीट से उतरा, इतनी जोर से आके मेरी सीट के साथ बजा, मैं डर गई, पता नहीं क्या हो गया यार। मैं उठ के बैठ गई तो देन ही जस्ट ओपनड हिज पैन एंड पीड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन ऑन दी सीट। थैंक गॉड कि उस सीट पे कोई बैठा नहीं था या लेटा नहीं था, नहीं तो क्या मतलब कि, और किसी ने कुछ बोला तक नहीं उसको कि उसने क्या किया क्या नहीं। उस बंदे को तो होश नहीं थी, वो जहाँ पे उसने करा वहीं पर सो गया वो, और उसके साथ के जो थे मैंने उनको बोला बट उन्होंने भी कुछ सुना नहीं, सिर्फ इग्नोर करा कि क्या बोल रहे हैं ये वो। बट ये कोई तरीका थोड़ी है कि तुम इतने पब्लिकली प्लेस में पियो और फिर वहीं पर ये सब करो। गाइस, अभी हम जयपुर पहुंच गए हैं, तो अभी हम कुछ खाने के लिए ले रहे हैं। ये हमारी ट्रेन है, हमने इसमें जाना है। ये मेरे दोस्त हैं। व्यू देखो यहाँ से, गर्म हवा ले लो। अभी ट्रेन चली है जयपुर से, अब रुकेगी जोधपुर जाकर ही। अभी हम लोग खाखरा खा रहे हैं, किसी ने भी खाया है खाखरा? मैंने तो कभी नहीं खाया है। हॉस्टल वालों के लिए भी नोटिस नहीं है कॉलेज आने का। जल्दी टेस्ट करो इसको कैसा है। अच्छा है। खाया नहीं मैंने, ऐसे ही बोल रही हूं। 5-6 तारीख को मतलब जाने हैं। सनसेट हो रहा है अभी, बस
बड़ा ही अच्छा व्यू है ये। कितनी प्यारी सैंड लग रही है। राजस्थान में बस यही देखने को मिलता है वैसे तो। मेरी दोस्त इडली लेके आई है और ये देखो चॉकलेट का कुछ पता नहीं क्या लाई है और अब हम खा रहे हैं। ये देखो हम बस पहुंचने वाले हैं जोधपुर। हमने सबने सामान निकाल के रख लिया है। ये देख सारे बैग्स हैं हमारे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मतलब कि अगर तुम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो प्लीज़ ड्रिंक ना करें, क्योंकि किसी को भी अनकम्फर्टेबल हो सकता है और सब हैंडल नहीं कर पाते हैं। जैसे कल इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, तो किसी के साथ भी हो सकता है, कोई अकेले ट्रैवल कर रहा हो सकता है। मेरे साथ तो मेरे फ्रेंड्स थे। प्लीज़ अकेले ट्रैवल कर रहे हो अपनी सेफ्टी देखो, सब कुछ देखो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है सब कुछ। और प्लीज़ ड्रिंक ना करें ट्रेन में। हम पहुंच गए हैं, बस ट्रेन अब रुकने वाली है। हम पहुंच गए हैं जोधपुर। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाय।